ताई राम बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे और ऑनलाइन वीडियो का मज़ा ले रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में व्याकरण का पार्ट तीन पढ़ेंगे, जिसका नाम है संधि। संधि का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि संधि का मतलब होता है मेल, ठीक है। संधि का मतलब है मेल, दो वर्णों के आपस में मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। सिंपल सी भाषा में आप सभी को पता है संधि का मतलब है मेल, किसी से भी मेल करना संधि कहलाता है। तो लेकिन यहाँ पर संधि का क्या तात्पर्य है, देखो विद्यार्थी, यहाँ पे एक फोटो दी है विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी क्या कहलाता है, विद्या का अर्थी यानी विद्या को ले जाने वाला विद्यार्थी यानी विद्यार्थी। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, विद्या और अर्थी, इन दोनों का जब मेल हुआ तो बना क्या, विद्यार्थी। ऐसे ही हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, तो हिम प्लस आलय, तो दोनों को मिला के क्या बना, हिमालय, तो बर्फ का घर, हिमालय का मतलब है बर्फ का घर। तो देखिए ऊपर दी गई चित्रों के नीचे लिखे शब्द विद्यार्थी तथा हिमालय दो शब्दों से बने हैं। वर्णों के इस प्रकार मिलने को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल यानी मिलना। जब दो शब्द या पद पास पास होते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है, तब जिससे नया शब्द बनता है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, महा प्लस ऋषि महर्षि, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ। इस तरह से क्या है, दो वर्णों के, दो ध्वनियों या वर्णों के, पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था वर्ण, तो वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तो दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संधि क्या है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि दो शब्दों या पदों के मेल से एक सार्थक शब्द बने। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। हमेशा यह याद रखना चाहिए संधि करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिन दो शब्दों के मेल को हम कर रहे हैं उनसे जो नया शब्द बन रहा है उसका अपना कोई अर्थ हो, सार्थक हो। वह सार्थक शब्द बने तो वही संधि है। संधि विच्छेद, अभी तो आपने पढ़ा संधि, संधि क्या है, दो वर्णों का मेल, लेकिन संधि विच्छेद क्या है, विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना विच्छेद कहलाता है। पिछली लेसन में आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा था, या वर्णों को अलग अलग करना, किसी शब्द को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद था। लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद, जब दो शब्दों को हम जोड़कर उनकी संधि करते हैं और उनको पूर्व स्थिति में लाने के लिए को क्या कहते हैं, विच्छेद, संधि विच्छेद यानी उनको अलग करना। किसी किन्हीं दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उनको पूर्व स्थिति में यानी पुनः उन्हें अलग अलग करने को क्या क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे। जैसे हमने यहाँ पे है
उज्ज्वल, उज्ज्वल एक संधि विच्छेद, वो संधि शब्द है, संधि से बना हुआ शब्द है, उत प्लस ज्वल, तो उज्ज्वल। उज्ज्वल हमने संधि की थी और उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल को हमने विच्छेद, संधि विच्छेद, उसका संधि विच्छेद किया। धर्मात्मा दो शब्दों से के मेल से बना है, धर्मात्मा। अब हम इसको धर्म प्लस आत्मा अलग अलग करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा संधि विच्छेद। तल्लीन, तत् प्लस लीन, तल्लीन। ऐसे पावन प्लस, पावन का है पौ प्लस अन, पावन। तो इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, संधि विच्छेद, यानी संधि के वे शब्दों को पुनः उनकी पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। अब सबसे पहले आपको बताना है कि संधि कितने प्रकार की होती है। अभी तो आपने पढ़ा कि संधि क्या है। देखो बच्चों, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संधि क्या है। संधि दो वर्णों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। फिर संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों में से जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तब स्वर संधि होती है। यानी हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 11। और इन्हीं स्वरों में से जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर, यानी जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो उसे उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो पुस्तक, आपने देखा था हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है। यहाँ पे पुस्तक, क, क के साथ क्या है, छोटा आ, और आलय प्लस आलय, तो आ और आ मिलकर क्या बन रहा है, आ, ये है पुस्तकालय। आपने यहाँ पे देखा होगा आ और प्लस आ से मिलकर क्या बना, आ, पुस्तकालय। तो ऐसे ही आपके पास है रचना प्लस आकार, रचना कार। तो आ प्लस आ से क्या बना आपका, रचना कार, ये आ प्लस आ, तो आपका ये बना है रचनाकार। तो इसी तरह से आपका जो है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा कि स्वर संधि क्या है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जब आपस में स्वर से स्वर मिले तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके पांच भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, पांच। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। यहाँ पे देखो बच्चों, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि। और संधि के तीन भेद हैं, पहला है स्वर संधि। स्वर संधि, जब स्वर से स्वर का मेल होने से कोई परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि कितने प्रकार की है, पांच प्रकार की। स्वर संधि के पांच भेद हैं, पहला ये है स्वर संधि। स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि के भेद हैं। तो अब हम पहले
तीन संधियाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच भेद जो हैं वो आपके कोर्स में हैं, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखो, स्वर संधि, जब स्वर से स्वर के मेल होने से कोई परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल होता है तो उसे उससे जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में केवल दो स्वरों का मेल होता है, लेकिन व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन, जब व्यंजन के साथ, पहले क्या है, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन किसी भी का मेल होता है तो उससे जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। नंबर तीन है विसर्ग संधि। यदि विसर्ग, विसर्ग आपको पता है दो बिंदु, क्या होती हैं, दो बिंदु, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी स्वर के साथ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। जैसे दुह प्लस बल दुर्बल, नी प्लस रोगी निरोगी, नी प्लस मल तो निर्मल, इस तरह से विसर्ग संधि होती है। तो अब हम, अभी आपने केवल संधि के तीन भेद पढ़े हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर से स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल होता है तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर तीसरा है विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन किसी के भी मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। ये तो संधि के भेद थे तीन, अब है स्वर संधि। स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इनको हम विस्तार से देखते हैं। पहला है आपका दीर्घ संधि। क्या है आपका दीर्घ संधि? यदि पूर्व पद का अंतिम स्वर, ठीक है, यदि पूर्व पद का अंतिम स्वर आ आ ई ई ऊ ऊ री री हो तथा उत्तर पद का पहला अक्षर, यानी दो पद हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, तो उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर भी उसी जाति का हो, यानी आ है तो आ ही हो, या चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ई है तो, अगर पहला पद का अंतिम अक्षर ई है तो दूसरे पद का भी प्रथम अक्षर ई ही होना चाहिए, तब चाहे वो छोटी ही हो या बड़ी ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दीर्घ या ह्रस्व, लेकिन दोनों एक ही जाति की, यानी आ है तो आ ही हो, ई है तो ई ही हो, चाहे वो छोटे बड़े, यानी दीर्घ ह्रस्व कोई भी हो, लेकिन वो दोनों एक ही जाति के होने चाहिए, तो उनके स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। जैसे देखो, राम प्लस अनुज रामानुज, क्या है, राम प्लस अनुज रामानुज, तो राम माँ के साथ छोटा प्लस अनुज आ, छोटा छोटा मिलकर क्या बन गया, आ माँ बना, ना राम रामा, सॉरी रामानुज, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, रामानुज क्या बनेगा, रामानुज। तो ऐसे ही देव प्लस आलय देवालय, आ और आ मिलकर क्या बना, आ, क्या बना, आ और आ मिलकर आ देवालय। तो क्या बना, देवालय।
तो ये है आपकी दीर्घ संधि। क्या है? यदि पूर्व पद का अंतिम स्वर अ आ ई उ री री हो तथा उत्तर पद का पहला अक्षर भी उसी जाति का हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यानी अगर हस्व और हस्व मिले तो दीर्घ, या दीर्घ और हस्व मिले तो दीर्घ ही बन जाता है। यानी दीर्घ स्वर में वो परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। अब है आपकी दूसरी गुण संधि। यदि पहले पद के अंत में अ आ हो तथा उत्तर पद के पहले अक्षर में ई ई उ री ऋ हो तो इसका मेल कर्मशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। यदि पहले पद के अंत में अ आ, दीर्घ संधि में तो हमें सजातीय पद चाहिए थे, यानी आ है तो उसका मेल आ के साथ ही होना चाहिए, तब चाहे वो छोटा आ हो या बड़ा। तो लेकिन उन दोनों को मिला के वो दीर्घ बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुण संधि में क्या होता है, यदि पहले पद के अंत में अ और आ हो तो उत्तर पद के पहले अक्षर में ई ई उ री कोई भी विजातीय पद हो, आ के साथ कोई भी आ के साथ कोई भी विजातीय पद हो तो ई का क्या हो जाता है, ई ई का ए, यानी चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो उसका जब उसको जोड़ा जाता है तो ए बन जाता है। जैसे क्या है, नर प्लस इंद्र, नर नामी छोटा अ और इंद्र छोटी, तो ए बन गया नरेंद्र। क्या बन गया? नरेंद्र। नर प्लस ईस, नरेश। इसी तरह से आ और ऊ का ओ, ठीक है, आ और ऊ का ओ, आ और री का अर, आ और रे का अल हो जाता है। यानी आ के साथ अगर ई तब वो हस्व हो या दीर्घ ई हो, जो भी हो उसका ए बनेगा। आ के साथ ऊ, चाहे वो छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ, आ के साथ ऊ मिलने से ओ हो जाता है। और ई आ के साथ री मिलने से अर, और आ के साथ लृ मिलने से अल हो जाता है। देखो जैसे ऊ मिलने से चंद्र प्लस द, तो चंद्रोदय क्या हो गया, चंद्रोदय। यहाँ पे उदय आना था, सॉरी यहाँ पे क्या है, उदय आना, उदय, चंद्र प्लस उदय तो चंद्रोदय, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, ऐसे ही है, राज प्लस ऋषि राज ऋषि, माला प्लस लकार मालकार मालाकार, इस तरह से आपका बन जाता है। चंद्र प्लस उदय तो चंद्रोदय, यानी आ और ऊ के मिलने से ओ हो गया, आ और ऊ का ओ हो जाएगा, आ और री का अर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये गुण संधि, यानी प्रथम पद का प्रथम पद के अंत में आ या आ कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, और उत्तर पद के पहला अक्षर ई ई या ऊ ऊ या री री कोई भी हो तो उसका कर्मशः आ ई के साथ मिले तो ए, ओ के साथ मिले तो ओ, और री के साथ मिले अर, और लृ के साथ मिले तो अल हो जाता है। यह है आपकी गुण संधि। फिर आता है आपका तो बच्चों आज हमने पढ़ा है, सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, जब दो संधि के वे शब्दों को हम पूर्व स्थिति में लाते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर है व्यंजन संधि, जब
किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर आपने पढ़ा है विसर्ग संधि, किसी भी विसर्ग के साथ जब स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अभी हमने पढ़ी है दीर्घ संधि, जब किसी भी स्वर के साथ अगर सजातीय स्वर आपस में सजातीय स्वरों का मेल होता है तो वो दीर्घ हो जाते हैं, उनके मेल से क्या है दीर्घ स्वर बनता है। जैसे आ के साथ आ मिलने से आ बनेगा, ई के साथ ई मिलने से बड़ी ई यानी दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। फिर हमने पढ़ा गुण संधि, गुण संधि है में पहले पद में पद का अंतिम अक्षर अ आ हो और उसके साथ दूसरे पद का प्रथम अक्षर आ ई ई उ ऊ री री ली हो तो वो कर्मशः ई का ए, उ का ओ, री का अर और लृ का अल हो जाता है। तो बच्चों अभी पहले आप इतना समझे, हम आगे हम कल समझाएंगे कि बाकी के जो संधि के पार्ट हैं वो कल समझेंगे, क्योंकि एक साथ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी आप केवल दीर्घ और गुण संधि को समझे कि पहले संधि के तीनों भेद समझे और उसके बाद स्वर संधि के 2 भेद, बाकी के मैं कल आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही, आप समझे। धन्यवाद।